सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हमारे पास आ चुका है अमेज़न की ओर से पार्सल, और पार्सल में आपको क्या देखने को मिलता है आज आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले हैं पावर सप्लाई का। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 550 वाट की ब्रॉन्ज सर्टिफाइड 80+ मैंने पावर सप्लाई मंगाई है, जो कि अपने पीसी के लिए मंगवाई है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई आपको देखने को मिलती है, जो कि 80+ ब्रॉन्ज है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसी पावर सप्लाई आपको क्या क्या देखने को मिलता है इसके बारे में। पहले तो हम इसे अच्छे से अनबॉक्स कर लेते हैं, एंड उसके बाद हमें कुछ पटाखे से मिलते हैं जिसे ऐसे कुछ कहते हैं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसे काफ़ी दबाने में इसे काफ़ी मज़ा आता है। तो उसके बाद हम बॉक्स को खोलते हैं, ऊपर से मेरे पास है कटर और उससे सारी सील्स खोलने वाला हूँ, टेप जो कि फ्लिपकार्ट ने लगाई है, और ये सिल्वर स्टोन की पावर सप्लाई है 550 वाट की, याद रखना 80+ प्रोज में आती है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है। अगर आप बजट रेंज का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको 80+ ब्रोंज चाहिए, क्योंकि अगर आप चीप जैसे कि PSU खरीदते हो जो कि चीप होती हैं, तो उनमें आपको सप्लाई का, अगर वो बोल दें कि 400 वाट की है तो वो गारंटेड नहीं होती है। अगर ब्रॉन्ज सर्टिफाइड हो तो अगर वो 400 वाट की है तो वो 400 वाट की ही होती है, TDP जो उसकी होती है। तो अगर आप बजट पीसी बिल्ड कर रहे हो 50-60-70,000 तक भी, तो आपको 550 वाट इनफ है। आप कूलर मास्टर की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है, आप वहाँ पे अपने स्पेक्स डाल के सब कुछ कर सकते हैं। आपको कुछ इस टाइप का वाइट सा बॉक्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर वीवा 550 लिखा है, नीचे लिखा है 80+ और ब्रॉन्ज, साइड में सिल्वर स्टोन है, एंड फैन आपको देखने को मिलता है इसमें, और नीचे की ओर आपको एक सील मिल जाती है जिसे आप कट करके एंड आराम से खोल सकते हो पावर सप्लाई को। उसके बाद आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, जो कि एक आम सी बात है हर किसी चीज़ में यूज़र मैनुअल, अगर आपको नहीं पता चले कैसे लगाना है इसको, कैसे इसका स्विच लगाना है, पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे प्लग है। और इसमें एक बात याद रखना कि इसमें इंटरनेशनली प्लग आता है, जो कि यूनिवर्सल प्लग होता है, देख सकते हो जैसे कि आप यूनिवर्सल प्लग आता है तो इंडिया में ये नहीं चलता है, तो आपको एक स्प्लिटर लेना पड़ेगा यूनिवर्सल रेडिएटर, तो उससे आप इसे आराम से लगा सकते हो। अगर वैसे आपके पास पावर केबल और कोई पड़ी है तो आप उसे भी लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई होने वाली है। और एक और बबल्स वाला प्लास्टिक इस पर लगा है, तो इसे भी हम कट कर लेते हैं साथ में इसकी। आपको इसमें हर एक केबल देखने को मिल जाती है, 4 कट वाली और मेन, और इसमें छोटा सा एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर आपको एक मिल जाते हैं नट्स मिल जाते हैं, एक नहीं बल्कि 4 मिल जाते हैं, और नशे की पुड़िया भी मिल जाती है आपको, जो कि सुगंधित रखती है, महक रखती है, काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद आ जाते हैं अपनी मेन पावर सप्लाई में, और पावर सप्लाई को करते हैं ओपन, एंड उसके बाद देखते हैं कैसी है इसकी क्वालिटी, किस साइड पर है जी। कटर ले लेते हैं और करते हैं इसे अनबॉक्स। धीरे धीरे जब तक मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी आपको वीडियो देखने को मिलेगी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट हम अपना पीसी बिल्ड करने वाले हैं, तो सारे कंपोनेंट्स की धीरे धीरे मैं मंगवा रहा हूँ अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, या आपको ऑफलाइन मार्केट से भी मंगवाऊंगा, तो आपको सबकी अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी, उसके रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। और ये जो पावर सप्लाई है ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड के साथ आती है, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, पावर एफिशिएंसी के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि आपको फ्लैट ब्लैक केबल्स देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है एक बजट रेंज के लिए। आप इसके साइड पे देख सकते हैं वीवा 550 80+ ब्रॉन्ज लिखा है, एंड सिल्वर स्टोन की ओर आती है। इसके साइड पे बटन भी है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक पंखा है जो कि 360 डिग्री रेडिएटर पे काम करता है, एंड उसके ऊपर एक आयरन शील्ड लगाई गई है 80+ ब्रॉन्ज है, जिसके ऊपर मेरा पूरा फोकस जा रहा है। उसके बाद आपको बैक साइड पर देखने को मिलती हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस और आगे पीछे जो कि आपको मिल जाता है, जो कि आपको एक ऑब्वियसली एक पावर सप्लाई में जो चीज़ें होती हैं वो आपको सारी देखने को मिल जाती हैं, तो सब काम डन है। उसके बाद आते हैं हम केबल्स पे, तो उस पर ब्लैक फ्लैट केबल्स देखने को मिलती हैं, जो कि एक बजट रेंज की पावर सप्लाई के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। आपको इसमें सारी पावर सप्लाई देखने को मिल जाएंगी, सॉरी सारी केबल्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको मिल जाएगा जो कि आपका ग्राफिक कार्ड होता है, आजकल कई बार 6 पिन वाले ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं जिसमें 6 पिन की पावर सप्लाई जानी होती है, तो आप उसे भी अगर आपने ये ले लिया तो आराम से आप उस ग्राफिक कार्ड को भी चला सकते हैं। वैसे तो आजकल ग्राफिक कार्ड के काफ़ी ज़्यादा प्राइस लो हैं, कि आपने अपने पीसी में अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो गाइस उसके बाद हम फिर से पावर सप्लाई पे आ जाते हैं, आपको काफ़ी सारे केबल्स और काफ़ी सारी वायरिंग देखने को मिल जाती है, आपको कम्प्लीटली एक पैकेज मिलता है इस पावर सप्लाई में। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना।